चलो लेट्स स्टार्ट। सो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 15, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि इसमें क्या है। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने कल समझाया था कि लॉसेस को हम लोग किस डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट दीज लॉसेस दैट वी हैव आर पॉजिटिवली स्क्यूड, डेफिनेटली, जो हमने कल समझा था। एंड सो हमें डिफरेंट पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने, राइट? सो कुछ बेसिक नोटेशंस है, पहले चलो हम लोग वो पढ़ लेते हैं, बेसिक नोटेशंस। बेसिक नोटेशंस लिख लो। बेसिक नोटेशंस क्या क्या है? पीडीएफ, पीडीएफ को कैसे लिखते हैं? स्मॉल एफ एक्स, ये हमारा पीडीएफ हो गया। यस लक्ष्य, आर यू फॉलोइंग? यस मैम। ठीक है, सीडीएफ को कैसे लिखते हैं? कैपिटल एफ एक्स। इसमें कोई डाउट है तो पूछना कहीं भी। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग मल्टीप्लाइड बाय इट्स पीडीएफ, उसका इंटीग्रेशन करते हैं, या फिर हम लोग समेशन लेते हैं फॉर ऑल एक्स, जहां पे हम लोग, क्योंकि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, सॉरी क्योंकि ये डिस्क्रीट अगर होता तो डिस्क्रीट के लिए ऐसे करते, ठीक है? राइट, करेक्ट? यस मैम। तो ठीक है, करते जाओ। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर करते हैं, तो एक्स एफ एक्स डी एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया हमारा वेरिएंस, जिसको हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों सेम कैसे है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग मल्टीप्लाइड बाय इट्स पीडीएफ, वही चीज हो रहा है यहाँ पे, देख लो, करेक्ट? एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग मल्टीप्लाइड बाय इट्स पीडीएफ, वही कर रहे हैं हम लोग, है ना? ये हो गया आपका वेरियंस इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट के केस में कैसे करोगे? डिस्क्रीट के केस में सिंपली यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लोगे, है ना? कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस याद है क्या होता है लक्ष्य? यस मैम। क्या होता है बोलो? इसका एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई होता है। वाई, वेरी गुड, ये हो गया। अच्छा, इसका एक्सपेंशन याद है टेबल बुक से, ई टू द पावर एक्स का? 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3। वेरी गुड। तो ये कौन से पेज नंबर पे है पर देख के बताओ, टेबल बुक के पेज फर्स्ट स्टार्टिंग में है, फर्स्ट से सेकंड पेज पे? टेबल बुक है अभी तुम्हारे पास? नहीं अभी नहीं है। पेज 3 आई गेस, पेज 3 ऑफ टेबल बुक में है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला अगेन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि आगे जाके काफी जगहों पे इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते जाओ। पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एक्स अगर मैं बोलूं तो एक सिंपल पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्स कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, yes, ठीक है? अब अगर हम लोग इसका लिमिट लें, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी करते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ दिस एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स, ठीक है? तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी
अभी पॉलिनोमियल इक्वेशन की जगह पे इसको ये वाला जो फॉर्म है, अगर ऐसा फॉर्म का कुछ आपके केस में, अगर ऐसा फॉर्म का आपके केस में कोई सम आता है तो इसको कैसे डील करेंगे वो हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को मैं एक बार के लिए एक्सपैंड करती हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स, ठीक है। अब ये ई टू द पावर एक्स को मैं एक बार एक्सपैंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी हमने देखा इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स, क्योंकि आप ना सीधा एक्स में आप इंफिनिटी नहीं डाल सकते, अगर आप सीधा एक्स में इंफिनिटी डालोगे तो वो गलत हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वेयर। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाय एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वेयर, है ना, ये हो गया 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसे हो जाएगा एक्स बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, देख लो। यस मैम। अब क्या कर सकते हैं, अब अगर हम लोग एक्स के जगह पे इंफिनिटी डालें तो एनीथिंग एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी गिव्स यू व्हाट, एनीथिंग डिवाइडेड बाय, जीरो वेरी गुड, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी ऑलवेज गिव्स यू अ जीरो, ठीक है। तो हम लोग इसको फिर कैसे इलाबरेट कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ये हो जाएगा हमारा ए प्लस जीरो डिवाइडेड बाय जीरो प्लस, अच्छा ये हमारा देखो क्या है, यहाँ पे था 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये होना चाहिए 1 बाय एक्स, एक टर्म मेरा रह गया 1 बाय एक्स वाला, आ, 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 ये इसको हम लोग 1 बाय एक्स बोलेंगे, तो अगेन ये भी हो जाएगा जीरो प्लस, ये सारे टर्म्स अब कैसे दिखेंगे, 1 बाय 2 फैक्टोरियल, है ना, 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस इंफिनिटी 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 स्क्वायर इंफिनिटी क्यूब, तो इंफिनिटी स्क्वायर भी इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी क्यूब भी इंफिनिटी होगा, है ना, क्योंकि क्यों होगा मैं समझा देती हूँ, क्योंकि मान लो 0 से 1 के बीच में हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स है ना, 0 से 2 के बीच में हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स है, तो इसका स्क्वायर भी तो इंफिनिटी ही होगा ना, राइट। तो इंफिनिटी इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी क्यूब इज इंफिनिटी, एंड आप इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी करोगे तो क्या 2 इंफिनिटी होगा, नहीं, इट विल बी इंफिनिटी ओनली। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंफिनिटी करेंगे इसके बाद एक टॉपिक, बट उसके पहले यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक क्या है, इंफिनिटी है, फिर एक इंफिनिटी स्क्वायर होगा, एक इंफिनिटी क्यूब होगा, एक इंफिनिटी टू द पावर 4 होगा, उन सबको आप ऐड करोगे, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी गिव्स यू इंफिनिटी ओनली, तो ये आपका एक यहाँ पे क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एक इंफिनिटी आ गया, तो आपका ए बाय इंफिनिटी, तो ये फाइनली आपका क्या आ रहा है, फाइनली आपका क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ए बाय इंफिनिटी। अब इस पूरे टर्म में दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंफिनिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसमें अब एक्स है नहीं, तो ये एक तरीके से अब आपका कांस्टेंट हो गया, मतलब ये हो गया ए बाय इंफिनिटी व्हिच इज व्हाट, व्हिच इज 0, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। अब अगर आप लोग इसको स्ट्रेट अवे सॉल्व करने जाते तो ये वाला इक्वेशन सॉल्व नहीं होता, दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच इट। मैम एक डाउट है मैम, जब आपने जीरो पुट करा वो टर्म्स को जिनमें डिनोमिनेटर में एक्स है, तो आपने लिमिट तो लगा यूज कर ली, तो लिमिट हट नहीं जाएगी? हाँ करेक्ट करेक्ट, लिमिट हटा दो, मैं दिखा रही थी कि अगर आप इसको ऐसे बाहर लेके लिमिट इक्वल्स टू वैसे लिखना चाहते हो वैसे भी लिख सकते हो, हाँ लिमिट हट जाएगी, लिमिट हटा दो। मैम तो प्योर इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो वो तो जीरो इधर ही भी होता है, हटा दो, हाँ तो वो जीरो ही होगा, या इंडिटर्मिनेट भी कहते हैं? नहीं, जीरो जीरो, इनडिटर्मिनेट नहीं कहते हैं, 1 बाय 0 को अनडिफाइंड बोलते हैं, विच इज
नॉट एग्जैक्टली इन्फिनिटी, वो हाँ, उसको अनडिटरमाइंड या इन्फिनिटी बोलते हैं. वन एनी थिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज जीरो. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी. प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी कर लो. ठीक है चलो. तो मैंने क्या बोला, अच्छा एनीथिंग इफ यू एड, एनीथिंग इफ यू एड टू इन्फिनिटी विल गिव यू व्हाट. लेट्स सपोज एनी कॉन्स्टेंट टर्म सी इन्फिनिटी. एनीथिंग यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी इज स्टिल एन इन्फिनिटी. एनीथिंग यू मल्टीप्लाई विथ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, अदर देन इफ यू मल्टीप्लाई इट विथ जीरो. जीरो करेक्ट. सो जीरो का सुप्रीमेसी है भाई, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका जीरो हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय एनीथिंग गिव्स यू अगेन इन्फिनिटी. अच्छा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी के साथ आप कुछ भी ऐड करोगे तो क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी आएगा. वेरी गुड. माइनस इन्फिनिटी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी आएगा. वेरी गुड. सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी माइनस सी करोगे तो क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी आएगा. माइनस अच्छा एक चीज और, माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय सी करेंगे तो क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी, प्रोवाइडेड सी नीड्स टू बी ग्रेटर देन जीरो. ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि अदरवाइज वो सिर्फ इन्फिनिटी हो जाता है ना. Yes, अगर सी नेगेटिव होता. इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी वो इंडिटरमिनेट है ना. नहीं नहीं नहीं, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी. डिवाइड वाला है इंडिटरमिनेट. हाँ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है ना फिर इंडिटरमिनेट. करेक्ट करेक्ट. सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, जीरो बाय जीरो, ये सारा आप क्या बोलोगे? ये इंडिटरमिनेट है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. बिकॉज ये वाला थोड़ा मतलब देखो, अब जैसे मैं बोल रही हूँ इन्फिनिटी, जीरो से वन के बीच का भी एक इन्फिनिटी है, जीरो से टू के बीच का भी एक इन्फिनिटी है. अब आप किसको किससे माइनस कर रहे हो, है ना? नहीं पता आपको. अगेन इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेंट, जीरो डिवाइडेड बाई जीरो इज इनडिटर्मिनेंट. ठीक है. अब सिमिलरली एक क्वेश्चन करो. अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं, लेट्स सपोज मैं बोलू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 100 प्लस 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x. ठीक है, इसको सॉल्व करो. देखो सिक्स एक्स प्लस वन है, माइनस प्लस वन है. हम 1 बाय इनफिनिटी आ गया. वन बाय इन्फिनिटी आ गया. यस मैम. ठीक है. डिवाइडेड बाय किससे करा है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? हम एक्स रेस्ट टू पावर 100 से करा है. कर दिया. मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ. टू बाय 100 करा तो न्यूमरेटर में 1 प्लस
क्या आएगा? सिक्स बाय एक्स 99, उसमें आप इन्फिनिटी डालोगे, वन बाय इन्फिनिटी ये जीरो प्लस वन, ये आएगा न्यूमरेटर में. न्यूमरेटर में क्या आ रहा है दोबारा से? वन प्लस जीरो प्लस वन, ये आ रहा है जीरो ही आ रहा है मैम, वन भी तो डिवाइड होगा 100 से. हाँ करेक्ट, तो जीरो आ रहा है, नहीं वन आ रहा है, वन आ रहा है न्यूमरेटर में, वन आ रहा है. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? वन बाय एक्स टू दी पावर 100, फिर वन बाय एक्स टू दी पावर 99, वैसे करके पूरा आएगा. यस मैम, है ना? तो डिनोमिनेटर में क्या बचा? इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी विच इज वॉट? जीरो. आ गया आंसर मैम, जो लास्ट वाला वन है वो भी जीरो ही हो जाएगा ना, बस ऊपर एक एक्स 100 वाला वन है, बाकी तो सारे जीरो हो गए. सिक्स एक्स और वन भी जीरो हो जाएंगे. न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर, हम न्यूमरेटर में हाँ. सिर्फ एक्स 100 वाला ही वन है, वन बाय इन्फिनिटी रहेगा ना, वो वन वन भी जीरो हो जाएगा, एक्स 100 से डिवाइड कर दो जीरो ही आएगा. हाँ ठीक है, तो ये क्लियर है. अब कुछ लिमिट के रूल्स लिख लो. चलो सो बेसिकली ये चीज ना आप लोग लिख सकते हो, इसको एक बार रूल बना लो कि लिमिट, एक सेकेंड, इसको रूल बना लो. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पॉलिनोमियल x बाय e टू द पावर x इज ऑलवेज जीरो. इसको प्रूव कैसे करते हैं? ऑलवेज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी, जैसे x टू द पावर 100 था तो उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड कर दिया. तो ये हमारा रूल ऑफ थंब है. ठीक है, अब कुछ और प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं एक एक करके. चलो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x इज व्हाट? देखो याद है कि नहीं लिमिट्स? ये जीरो ले लेते हैं, ln x ln 1 क्या होता है? चलो ये बताओ, ln 1 इज जीरो, ये पता है. चलो सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x इज व्हाट? इंफिनिटी मतलब x की जगह आप इंफिनिटी डालो, log इंफिनिटी इज इंफिनिटी, log जीरो इज माइनस इंफिनिटी. ये याद करना पड़ेगा, इजी है, सम्स में चाहिए होते हैं. सो लॉग ऑफ माइनस इंफिनिटी, लॉग ऑफ जीरो इज माइनस इंफिनिटी. गॉट इट? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग एक्स इज माइनस इंफिनिटी, लॉग वन इज जीरो. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लो. y is equal to log x, ठीक है, dy by dx, या फिर हम लोग ऐसे y dash भी लिखते हैं ना, is 1 by x. अच्छा ये जो है, ये मैं आपको बता रही हूँ, let's suppose अगर मैं बोल रही हूँ कि this is greater than 0, कब होगा? when x is greater than 0, तभी greater than 0 होगा, yes or no? yes ma'am. है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि y dash is लिखना, y dash is increasing function of x, y dash is increasing function of x. increasing function of x मतलब अगर हमें दिखाना है कि क्या y increasing function of x है, decreasing function of x है, तो इस तरीके से हम उस चीज को दिखा सकते हैं. तो y dash is increasing function of x, when x का value is going up, y dash is going up. ठीक है, नेक्स्ट. yes, ये हम लोग प्रूव करते हैं एक तरीके से कि अगर आपको निकालना है कि वाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप पहले उसको वन टाइम डिफरेंस करते हो, फिर आप देखते हो कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. अगर वो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट लिख लो गामा फंक्शन.
सो गामा फंक्शन अगेन, अगर आप देखोगे पेज फाइव ऑफ टेबल बुक में है. मैं क्यों पेज नंबर्स बताते जाऊंगी टेबल बुक का, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको टेबल बुक ही रेफर करना है. तो गामा फंक्शन ऐसा दिखता है, ठीक है, गामा ऑफ एक्स. तो अगर कोई नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर का क्या मतलब होता है, 5.5, 6.5, 7.5, 10.9, 6.9, वट एवर. तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x माइनस वन, नहीं रुको एक सेकेंड, हाँ, x-1 एंड गामा ऑफ x-1, ठीक है. इफ इट्स इंटीजर तो उसका क्या हो जाएगा, एक्स इज इंटीजर तो स्ट्रेट अवे हम लोग उसको x-1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं. एंड हाफ का फैक्टोरियल या फिर 0.5 का फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू, सॉरी, गामा फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रूट ऑफ पाई, इज ऑलवेज इक्वल टू रूट ऑफ पाई, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई. तो ये भी हमें काम आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखें, अगर मैं बोलूँ 8.5, गामा ऑफ 8.5 आप निकालो, तो आप क्या करोगे, ये वाला यूज करोगे क्योंकि नॉन इंटीजर है. तो कैसे इसको इलाबरेट करेंगे, 8.5-1 कितना होता है, 7.5. तो 7.5 गामा ऑफ 7.5, मतलब ऐसे लिखोगे अगर आपको ये फॉलो करना है, 7.5 इंटू गामा ऑफ 7.5. अब गामा ऑफ 7.5 को कैसे तोड़ेंगे, इंटू 6.5, फिर गामा ऑफ 6.5, इसको फिर से तोड़ो. तो ऐसे कर करके आप कहाँ आ जाओगे, 6.5, 5.5 मल्टीप्लाइड जीरो बाय पॉइंट लास्ट फाइव तक 0.5 तक. फिर हम लोग एंड में क्या हो जाएगा आपका, 1.5 जब बच रहा है, 1.5 क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू इसके पहले वाला बेसिकली टर्म है, एक सेकेंड, गामा 1.5 नहीं गामा नहीं, गलत बोल रहे हो, गामा कहाँ से आ जाएगा, इसके वो गामा पहले वन वाला, पॉइंट फाइव ब्रेक होगा. हाँ इसके पहले वाला टर्म है 1.5, फिर उसको हम लोग ब्रेक करेंगे 1.5 को, 0.5 गामा, 0.5 इंटू गामा ऑफ 0.5, और गामा ऑफ 0.5 इज व्हाट, रूट पाई. तब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका. बट अगर यही चीज ऐसा होता 8.6, 0.7, तो ये अनसॉल्वेबल है इन योर थ्योरी. आप आर प्रोग्रामिंग यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, थ्योरी में इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस. ठीक है, यस मैम. चलो नेक्स्ट. अच्छा, पेज नंबर 5 में ये दे रखा है. नेक्स्ट लिखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इसको हम लोग जब ऐसे लिखते हैं ना, कैपिटल फाई, इसको बोलते हैं कैपिटल फाई, कैपिटल फाइव. ये होता है CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये होता है CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये होता है PDF ऑफ फाइव, इसको बोलते हैं फाइव, PDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू आर नॉलेज कैपिटल फाई ऑफ इंफिनिटी कितना होगा, जीरो कितना होगा, माइनस इंफिनिटी. हाँ, इन तीनों का बताओ पहले. मैम इन्फिनिटी का 1 होगा, 0 का 0.5 और माइनस इन्फिनिटी का 0. वेरी गुड. सो
सो बेसिकली अगर हम लोग डायग्रामेटिकली समझे, ठीक है, ये हमारा हो जाता है CDF. सो CDF ऑफ जीरो ठीक है इज 0.5 CDF ऑफ इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ आपका इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी है. CDF ऑफ इंफिनिटी इसके नीचे पूरा आपका 1 है एंड माइनस इंफिनिटी के नीचे आपका 0 है, ठीक है. PDF ऑफ x क्या होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल का, टेबल बुक देख के बताओ. 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई. सिग्मा नहीं होता, सिग्मा 1 है ना, तुम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बोल रहे हो, स्टैंडर्ड नॉर्मल. e टू द पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि म्यू इज 0. इट्स बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 वेरिएंस 1, है ना. है ना, यस सर, ठीक है, इसको कर लो. नेक्स्ट लॉग नॉर्मल करो. चलो लॉग नॉर्मल का निकाल के बताओ मुझे PDF. ठीक है, नेक्स्ट देखो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो लिख लिया था. यस मैम, निकाल लिया. ठीक है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का देखो. इफ एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, लॉग एक्स विल फॉलो नॉर्मल, है ना, ये हमें पता है. यस मैम, बताओ इसका PDF क्या होता है बताओ. 1/x सिग्मा रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस लॉग एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर.
ये होता है, ठीक यस मैम। है। अब देखो टेबल बुक का पेज 18 खोलो, वो जो प्रूफ है ना वो हम लोग करेंगे, वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, रीजन बीइंग कि तुम कल फिर ऑफलाइन आओगे तब हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा, एक चीज और लक्ष्य है,